आज कुछ स्पेशल क्लास में आज आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग कुछ स्पेशल चीजें सीखेंगे जो कि कुछ छिपे हुए स्क्रिप्ट होते हैं जो कि बच्चे ज्यादातर नहीं जानते क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो हम लोगों ने एक कॉन्टेक्ट नाम का एक ऑप्शन होता है आपके, इसी में फीचर्स होता है जो कि छिपा हुआ रहता है, वो दिखाई नहीं देता है सामने से। तो उसको सर्च करने के लिए, उसको लाने के लिए हम लोग सर्च बॉक्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। दो तीन तरीके इसे ओपन करने के हैं। पहला तरीका मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखेंगे कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट होता है। आप जैसे कॉन्टैक्ट लिखेंगे आपके सिस्टम में, चाहे विंडो 7 हो चाहे विंडो 10 हो, किसी भी XYZ ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है क्योंकि तो अलग से नहीं खरीदना पड़ता, ये विंडो के साथ फ्री में मिलता है। बस इसको आपको यूज करना आना चाहिए। ये मेल वगैरह के लिए, किसी स्कूल या कॉलेजेस के लिए जो डेटा रखना हो किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी फैमिली का, तो उसको यहाँ रखना बहुत आसान है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो हम आपको दिखा पा रहे हैं कि दो कॉन्टेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए जो कि हमने पिछले भी बैच में पढ़ाया था बच्चों को, तो वो डेटा बना हुआ है। तो हम लोग कुछ नए कॉन्टेक्ट दिखाते हैं आपको। तो न्यू कॉन्टेक्ट के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ये न्यू कॉन्टेक्ट वाला ऑप्शन आप यूज करेंगे, यहाँ से खुल जाएगा। सही से ध्यान से देखिएगा जैसे क्लियर होता रहे आपका डेटा। तो ये एक न्यू कॉन्टेक्ट का ऑप्शन इस तरीके से आप खोल सकते हैं एक सर्च बॉक्स के जरिए। तो अब दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप सिस्टमेटिक तरीके से अपना कंप्यूटर खोलिए, दिस पीसी कहीं लिखा होगा, दिस पीसी के अंदर जाइएगा, डबल क्लिक करिएगा या राइट क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते भी हैं यहाँ से सिस्टमेटिक। और अगर आपका विंडोज 7 तो उसमें कंप्यूटर लिखा रहेगा, और आपके सिस्टम के अंदर एक विंडोज सी के नाम से एक ड्राइव बनी होगी, ये हार्ड डिस्क के पार्टीशन होते हैं। इसके अंदर सी ड्राइव के अंदर जाइएगा, सी ड्राइव के एक यूजर नाम का एक फोल्डर मिलेगा आपको, उस यूजर नाम के फोल्डर पर आप क्लिक करिएगा, डबल क्लिक करिए चाहे राइट क्लिक करके ओपन करिए, दोनों तरीका मस्ट है, जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके आप उसे ओपन कर लीजिए। ये एक देखिए जिस नाम से यूजर सिस्टम चलाता है, एक अनुपम नाम से इसमें यूजर बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पे अनुपम पटेल के नाम से हम लोग इसको लॉग इन करेंगे। तो आपके सिस्टम में देखेंगे कॉन्टैक्ट नाम का फोल्डर दिखेगा, आप इस पे भी क्लिक करके डबल क्लिक करके उस ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते हैं तो आपके पास बस एक सिस्टम है साधारण तरीका, बस इसी के ऊपर आप राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपकी स्क्रीन पे ये कॉन्टेक्ट नाम का ऑप्शन आपको इसमें ढूंढना होगा, तो आपको कुछ डिवाइस के पास मिल जाएगा कॉन्टेक्ट करके रहेगा, ठीक है। आप इसको यहाँ से ओपन कर लीजिए तो आपके स्क्रीन पर ऐसे खुल जाएगा। तो कई तरीके मैंने आपको बताए इसे खोलने के लिए, आप चाहे विंडोज 7 हो चाहे विंडोज 8 हो चाहे विंडोज 8.1 हो चाहे आपका विंडोज 10 हो, कोई भी XYZ ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर हम लोग इसे बना सकते हैं। लेकिन ग्राफिकली विंडो होनी चाहिए, ना कि टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं करेगा, जैसे लिनक्स और MS-DOS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये नहीं चलता है, ये केवल ग्राफिकल बेस पे ही काम करता है। तो आप न्यू कॉन्टेक्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ये मांगेगा भरने के लिए। इसे एक छोटा मोटा आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, तैयार करते हैं लोगों को बताने के लिए कि हम लोगों ने इतना डेटा तैयार किया है, कभी भी वो पूछता है तो आप उसकी जानकारी पूरी बता सके। मैं देखिए आपसे पूछा गया है नेम एंड ईमेल, तो आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम में आप भरेंगे अपना नाम, जो भी आपका नाम है, मैं कहता हूँ आपका नाम सोनू है, आप सोनू लिख दीजिए। मिडिल में सोनू सिंह है, सोनू या सोनू कुमार करके लिख सकते हैं, सोनू कुमार। लास्ट में आप सिंह लगा दीजिए, लास्ट नेम में सिंह। तो फुल नेम में आप देख पा रहे हैं सोनू कुमार सिंह लिखा हुआ है यहाँ पे, उसका पूरा डेटा यहाँ पे ऐड हो गया है। पर्सनल टाइटल में आप पूरा मिस्टर लगा के उसको लिख दीजिए सोनू, ऐसे। निक नेम जैसे कुछ लोग हमेशा अच्छा नाम से बुलाते हैं लोगों को, बार बार उसी नाम को यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं निक नेम। तो आप यहाँ पे जो भी उसका निक नेम है वो आप टाइप कर दीजिए। तो कोई भी XYZ मैं कहता हूँ उसको कहते हैं सोनू सिंह, इसी नाम से ही बुलाते हैं उसको। उसका कोई ईमेल है तो उसका एक ईमेल टाइप करिए, सोनू सिंह @gmail.com। ये आपका एक, मैं आपको बता दूं, ये आपका यूजर नेम होता है, ये आपका डोमेन होता है, ठीक है। डोमेन जो कि परचेज होता है, एक ये सर्वर साइड होती है जहां पे ये यूजर अपना खाता खोलता है। एट द रेट कब लगाया जाता है, जब दोनों के बीच में डिफरेंट होता है, एट द रेट का यूज वहीं करते हैं हम लोग, ठीक है ना। दो पार्ट्स में किसी डेटा को डिवाइड करने का काम करता है एट द रेट।
आप यहां से ऐड कर दीजिए, आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ कॉन्टेक्ट ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं बगल में आपको होम ऑप्शन बना हुआ है। आप होम टैब पे चले जाइए, आपको स्ट्रीट मिलेगा। स्ट्रीट में आप पता डालेंगे अपना पूरा, एक नॉर्मल फॉर्म भर रहे हैं आप, कोई भी फॉर्म भरेंगे तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। अगर आपको पता होगा तभी आप अपना फॉर्म पूरा कंप्लीट भर सकते हैं, नहीं तो जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप भर कैसे पाएंगे। तो हम लोग स्ट्रीट में भरेंगे, यहाँ पे सिराथू कौशाम्बी या आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं गांव का पूरा पता भरेंगे, यूपी इंडिया। सिटी का नाम अपना डालेंगे जो शहर में आप रहते हैं, आप कौशाम्बी में रहते हैं आप कौशाम्बी डाल दीजिए। आपका स्टेट जो भी है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, जहां पे भी आप डेटा बना रहे हैं वो आप एड्रेस अपना स्टेट डालेंगे। पोस्टल कोड आपका जो भी लोकल में लगता है, जैसे पिन कोड जिसे आप लोग बोला करते हैं, तो वही यहाँ पे आप ऐड करिएगा। कंट्री का नाम अपना डाल दीजिए, कंट्री जिस कंट्री में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं तो हम लोग इंडिया सेलेक्ट करेंगे। आपसे यहाँ फोन नंबर आपसे पूछेगा तो अपना आप यहाँ पे फोन नंबर टाइप कर देंगे ऐसे कुछ करके, और फैक्स नंबर होता है। जैसे हम लोग कोई मेल करते हैं तो मेल हमारा, हम लोग मेल किया करते हैं, देखा करते हैं, तो मेल हमारा हमारे पर्सनल आईडी जिससे भेजते हैं तो किसी अदर पर्सन के पास वो सेंड हो जाती है, डिलीवर हो जाती है। तो इसी तरीके हम लोग कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं, यहाँ से प्रिंट आउट करते हैं तो फैक्स मशीन के जरिए वहां निकल जाती है। तो ये भी सेम उसी तरीके का काम करता है। तो कुछ एक कोड टाइप में होता है, कुछ अंक का होता है, आप यहाँ टाइप कर लीजिए। मैंने ऐसे एग्जाम्पल टाइप कर दिया है। सेल अपना डाल दीजिए, सेल समझ रहे हैं ना, सेल फोन नंबर, ठीक है। तो वो चीजें हम लोग यहाँ टाइप कर देंगे, कोई भी कोड यहाँ नंबर अपना ले लीजिए, टेंशन आपका हाँ, सेल मीन्स फोन होता है ये। तो आप लोग यहाँ देखते हैं सेल फोन नहीं बोला करते हैं आप लोग, ये वर्क है, सॉरी वेबसाइट यहाँ बच्चों दे रखा है। तो वेबसाइट आपकी कोई है तो आप उस वेबसाइट को भी यहाँ चला सकते हैं। यहाँ लिखिए icc.in, ये हमारी वेबसाइट का नाम है। वर्क, वर्क कहाँ आप करते हैं, किस पते पर करते हैं, वो पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ डालिए। हम कहते हैं हम सिराथू के अंदर करते हैं, सिराथू कौशाम्बी, और सिटी शहर में, किस शहर में आप काम करते हैं तो कौशाम्बी में करते हैं। ये पर्सनल डिटेल है पूरी, आप भरेंगे सही से और अपना जो भी पोस्टल कोड है वो सारा कुछ डालेंगे। आप अलग भी हो सकता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि वही रहेगा। तो पर्सनल जानकारी आप वर्क कहीं बाहर करते हैं तो वो सारी डिटेल आप डालेंगे। किस कंपनी में आप काम करते हैं, कहते हैं एप्पल कंपनी में हम लोग काम करते हैं। कंपनी ओके, और जॉब टाइटल्स के अंदर आप पूरा नाम अपना डाल दीजिए। क्या नाम था, मिस्टर सोनू था, मिस्टर सोनू ही भरिएगा। डिपार्टमेंट क्या है, लैब में काम करते हैं आप। ऑफिस का नाम डाल दीजिए, मैं कहता हूँ एप्पल कंपनी डाल दीजिए, एप्पल कंपनी ऑफिस में आप काम करते हैं। फोन नंबर अपना डालिए, अभी आपका फोन नंबर है, अपना फोन नंबर यहाँ यूज कर लीजिए। फैक्स नंबर वही आ गया, इसे आप टाइप कर लीजिए। पेजर्स होता है, जो पेज का नंबर्स वगैरह होते हैं, कितने पेजेस आप भेज रहे हैं वो सारी चीजें आप भर जाती हैं। फैमिली डिटेल्स में हम लोग आ गए, फैमिली के अंदर आ गए। आप जेंडर हैं, जेंडर के अंदर फीमेल मेल अपना जो भी आप डेटा बना रहा है उस हिसाब से आप चूज कर लीजिए। आपकी जन्मतिथि भरना है तो अपनी जन्मतिथि आप डाल दीजिए, कोई व्यक्ति में कोई भी चूज कर लेता हूँ पुरानी रिकॉर्ड के अनुसार, ऐसे मैंने सेलेक्ट कर लिया जैसे फॉर्म में सेलेक्ट की जाती है। गलत तरीके से नहीं भरेंगे आप, देखते हैं एनिवर्सरी होती है आपकी, वार्षिक हुआ करती है, हर वर्ष होती है हाँ, तो वो चीज अगर आपके यहाँ है तो आप डालिए, जो भी आपके पास है तो अपना डाल दीजिए। पार्टनर, आप अपना पार्टनर जो भी है, आपके मेंबर्स जो भी सदस्य हैं, आपके चिल्ड्रेन बच्चे वगैरह हैं आपके, तो अपने बच्चों का यहाँ पे पूरा ब्यौरा आप बना सकते हैं। जैसे आपने नाम डाल दिया अपना और उनके जो बच्चे हैं सोनू के, सोनू के बच्चों के नाम हम लोग ऐड करने वाले हैं, तो उनके बच्चे जो हैं, उनके बच्चे का नाम, एक का नाम मिस्टर भोलू है, एक बच्चे का नाम भोलू है, ऐसे तमाम नाम है हमने दे दिया। एक का नाम मोनू है, छोटू एक का नाम है, ऐसे करके हमने बहुत नाम दे दिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को ही है, आया समझ में? इसके बाद नोट्स में कोई नोटिफिकेशन हम लोग ऐड कर सकते हैं, यहाँ पास कुछ भी आप ऐड कर दीजिए, कुछ भी इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। और आईडी एस में चले जाते हैं
तो एक सिग्नेचर के लिए ऑप्शन आया करता है, एक डिजिटल आईडी मांगता है, जिसे हम लोग आधार कार्ड, सॉरी हम लोगों ने जीएसटी नंबर लेने के लिए, अगर हमारे पास कोई शॉप है तो हम जीएसटी नंबर लेने के लिए गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि हमको जीएसटी नंबर चाहिए, डिजिटल टाइप में चाहिए। तो जैसे डिजिटल सिग्नेचर आप लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट की सारी परमिशन लेनी होगी, तो फिर आपको गवर्नमेंट डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्रूवल दे देते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं लेखपाल वगैरह की जो साइन होती है आज जात निवास में लगती है, वो एक डिजिटल टाइप में होती है, वो सीधा नेटवर्क से जाके लगा देते हैं वो लोग, उसी वेबसाइट से सारा काम होता रहता है, अलग से कोई साइन करके स्कैन तो करता नहीं है, तो गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला हुआ है तभी वो लोग काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये उसी तरीके का होता है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक नॉर्मल डेटा था मैंने आपको भरना सिखाया, और इसके बाद आपको अपनी फोटो भी लगानी है। आप दिखते कैसे हैं, काले पीले जैसे भी दिखते हैं, आप अपना यहाँ पे ऐड कर पाएंगे अपने आप को। तो मैं देखता हूँ कोई फोटो मेरी पड़ी हो तो मेरे पास फोटो, तो चलिए मैं देखता हूँ कोई फोटो, चलो इसको लगा देते हैं, ऐसे ही दिख रहे हो सोनू, ऐसा ही दिख रहा है, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं हुई। मैंने इसको ओके कर दिया, बच्चों आपका कॉन्टेक्ट यहाँ तैयार होकर आ गया, आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर आपका सोनू कुमार सिंह के नाम से कॉन्टेक्ट तैयार हो गया। इसी तरीके सबकी लिस्ट यहाँ बनती चली जाएगी जितने कॉन्टेक्ट तैयार किए जाएंगे। अब बात करते हैं कॉन्टेक्ट की और भी बातें, हम लोग यहाँ से मेल भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, और यहाँ से हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, मतलब कोई परिवर्तन करना, कोई गलती हो गई तो एडिट में जाके हम लोग इस पर सुधार कर सकते हैं, मतलब कोई गलती कर डाले तब के लिए होता। क्या चीज है ईमेल, ईमेल करने के लिए इसमें नेटवर्क आप कनेक्ट करिए अपने सिस्टम में, ठीक है, नेटवर्क आने के बाद ही हम सब कुछ कर सकते हैं। अभी अगर मैं ऐसे ही बताता हूँ तो ईमेल हमारा जा नहीं पाएगा, बीच में रुक जाएगा, ठीक है ना। तो अभी मेल की जब बात करेंगे तो उस पर ही परफेक्टली हम लोग क्लियर करेंगे सारी चीज, ठीक है ना। तो जो डिलीट करने का ऑप्शन है, जो कि यहाँ ऑप्शन से मैं उन्हें क्लियर कर रहा हूँ बच्चों, डिलीट का ऑप्शन है, प्रिंट करना है आपको, मैं प्रिंट करना दिखा देता हूँ कैसे प्रिंट आउट होगा। यहाँ आइए, तो ध्यान दीजिए कि ये प्रिंट आउट करने का फंक्शन यहाँ से खुलने वाला है आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा सा टाइम ले लिया है क्योंकि हाँ, क्योंकि प्रोसेसिंग मोड पे है सिस्टम। क्योंकि यहाँ से हम लोग प्रिंट आउट भी देते हैं, और प्रिंट आउट निकलता कैसा मैं आपको दिखा दूं। ये यहाँ पे आप आएंगे, आप इसको कहाँ प्रिंट आउट करना चाहते हैं, पीडीएफ बनाना चाहते हैं, या आप डायरेक्ट प्रिंटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो प्रिंटर लगा होगा तो आप प्रिंटर को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रिंट आउट पे क्लिक करिएगा, देखिए मेरी स्क्रीन पर यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा सा, हाँ ऐसे कुछ दिखेगा। देखिए जितने कॉन्टेक्ट होंगे आपकी स्क्रीन पर सारे कॉन्टेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा सारे कॉन्टेक्ट के नाम। थोड़ा सा टाइम ले रहा है बस, यही है। एक नॉर्मल डेटा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए खुल जाएगी फाइल, मैं आपको दिखा सकूं। खुल नहीं पा रहा बच्चों, काफी टाइम लग रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट टाइम किसी टॉपिक पे बता दूंगा इसको, ठीक है ना।